आज हम लोग का जो पीसफुल धरना ऑर्गेनाइज किया है, एक्चुअली वी आर अंडर द बैनर ऑफ अपसू ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन। तो एज ए पैडल मेंबर ऑफ अपसू वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन आज ये धरना को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हम लोग का मोटिव ये है कि हम लोग स्ट्रॉन्गली अपसू को सपोर्ट करते हैं। जो अपसू जो स्टेट गवर्नमेंट में जो उन लोग का डिमांड प्लेस किया है उसका एक सपोर्ट में हम लोग आज यहाँ पे वेस्ट सियांग डीसी आलो में का आउटसाइड में बैठा हुआ है एस पीसफुल धरना। तो हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि हम लोग का ऑफसिंग इश्यू है जिसको सजेता गवर्नमेंट जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू सोनामेन एंड द आलो लिबांग जो तारीख पे तारीख ना हम लोग को समय पे समय दिया जा रहा है इनऑर्डिनेट डिले इन टू ब्रिंग आउट द प्रोपोजल ड्राफ्ट प्रोपोजल्स इसका अगेंस्ट में है। तो एक्चुअली दिस ऑफिसरिंग इशू, तो हम लोग ये ऑफिसरिंग इशू को लेके ये हम लोग का स्टेट का इशू है, हम लोग इंडिजिनस पीपल के लिए इशू है ना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एवरी जो भी पब्लिक है हम लोग का स्टेट का पब्लिक है उसको भी आप सबको साथ देना चाहिए, हम लोग का ये धरना को साथ देके इसको हम लोग गवर्नमेंट के साथ बैठ कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ये जो पीसफुल धरना जो अगर सक्सेस नहीं होते तो आप लोग वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट तो वही अभी हम पहले जैसे बोला है हम लोग जैसे कि हम लोग एज ए फेडरल मेंबर अपसू ना अपसू के हिसाब से आज हम लोग दरगाह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो लेट हम लोग अपसू का साथ अपसू लोग आगे पादर स्टेप को वो लोग डिसाइड करेगा। तो हम लोग उल्लू को सपोर्ट हम लोग का जितना सपोर्ट मॉरल सपोर्ट देना है ना उसको हम लोग देते जाएंगे। ये इशू जो है हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए कि हम लोग का फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग का इंडिजिनस पीपल अरुणाचल के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसी इसका ही वजह से हम लोग का जो लैंड डोमिनेशन है ना हम लोग का जो राइट मिलना चाहिए उसमें इफेक्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग मैं लड़की लड़का लोग को भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि चलो हम लोग आज हम लोग का फ्यूचर के लिए लड़ाई करता है, हम अपना फ्यूचर के लिए अपना राइट के लिए हम लोग का फाइट करता है। एक्चुअली हम लोग एज ए फेडरल मेंबर अपसू ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हम लोग का वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का भी फेडरल मेंबर है, जैसे केकेसू हो गया, कुशी बांगो हो गया और एसएसयू हो गया और आसू हो गया और हम लोग का सपोर्ट में आज वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन भी साथ में है और उबू बांगो स्टूडेंट यूनियन है वही है। जैसे आप ये हो गया आपका स्टूडेंट यूनियन जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक का रिएक्शन क्या है जो जनरल पब्लिक का इस मुद्दे को लेकर आपने जो आज धरना दिया है जनरल पब्लिक का रिएक्शन क्या है? नहीं नहीं सभी ये तो एक पहले भी हम बोला है ये हम लोग का स्टेट का इश्यू है ना। तो डेफिनेटली हम लोग तो पब्लिक इसका पब्लिक का सपोर्टिव इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इसका जो मेरिट डिमेरिट को जब मेजरमेंट करते हैं तो डिमेरिट ज़्यादा है ना। तो इसके लिए सभी लोग सपोर्ट करते हैं पब्लिक भी इसको। आपने जो आज धरना किया ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है लेकिन एक एज ए कॉमन मैन जांच करने से आपका ये जो आज आप ये धरना कर रहे हैं इसको पब्लिक इसके बारे में उतना अवेयर नहीं है, पब्लिक को इतना पता नहीं है। आपने अच्छा मुद्दा उठाया है ये पब्लिक का सपोर्ट आप स्टूडेंट को छोड़ के दूसरा जनरल पब्लिक या कोई एनजीओ कोई सोसाइटी भी आपका साथ में हो सकता था लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी लग रहा है क्योंकि कई लोगों को यहाँ में रहते हुए कई लोगों को पता नहीं कि आज यहाँ धरना हो रहा है कोरोना की वजह से आदमी को इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो मेन ऐसे हम पहले ही बोल दिया ना ये तो अफसोस से आता है हम लोग को डायरेक्शन ना तो हम लोग उधर से कोऑर्डिनेट करते हैं। और एक चीज़ है कि हम लोग भी आज इस ह्यूज गैदरिंग क्रिएट इसलिए नहीं किया कि इसमें एसओपी कुछ कोरोना का इश्यू भी है तो हम लोग इसलिए स्टूडेंट को भी सेलेक्टिवली आज हम लोग का मेंबर को भी इनवाइट किया है या प्रपोजल के इसको वाइड पब्लिकेशन भी नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ है कि हो सकता है कि ऑफिसिंग इशू को कोई दूसरा लोग समझ में नहीं भी आ रहा हो ना। इसमें एक सीधा सा बात है ट्रैवल वोमेन अगर नॉन ट्रैवल नॉन एफएससी में मेरिट करता है तो उसका चाइल्ड जो है हम लोग के एसटी का राइट को एंजॉय करता है। टोटली अफसोस जो इसको अगेंस्ट है ना
तो इसलिए हम पब्लिक और ये जो भी हम लोग का यहाँ का पब्लिक और ये इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स को भी अपील है, मतलब ये यही चीज़ के लिए है, तो आप इसको आप लोग साथ दो ये इशू को। तो इससे ये इशू अगर इस तरह से अगर बढ़तेगा तो हम लोग त्रिपुरा स्टेट का बराबर हो जाएगा, हम लोग अरुणाचल जो है स्टेट जो है ना, इसलिए हम लोग मेनली इसलिए फोकस है ये इशू को।